300 किसानों पर उनकी संवेदनाएं पे एक फूटा शब्द नहीं निकलता है और विपक्षी पार्टी का एक नेता का सदन छोड़कर जाता है तो घड़ियाली आंसू बहाने काम करते हैं। जब बिल लेकर आए तुमने ना तो किसान को पूछा, ना मजदूर को पूछा, ना रोजगार को पूछा है। जब हमें वो चीज नहीं चाहिए तो तुम क्यों सौंप रहे हो हमारे ऊपर। दिल्ली में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली में जो होमगार्ड है वे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र आंदोलन कर रहा है, LIC वाले आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना का परिवेश बढ़ गया और बंगाल में फिलहाल चुनाव चल रहा है तो बंगाल में कोरोना घट गया। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर और सभी किसान मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम किशन पाल है, मैं मैनपुरी से आया हूँ। और रणनीति की बात करते हो तो हमारी तो ठीक रणनीति चल रही है, रणनीति सरकार को बनानी है। हमारा तो काम था आंदोलन करना, उन्होंने मुझे सपने दिखाए और सपने दिखा के मुझे फुटपाथ पर बिठा दिया, फुटपाथ से सड़क पर बिठा दिया और मेरी रणनीति ठीक दिशा में चल रही है। संविधान का साक्षी मान के जो हमारा काम है वो आंदोलन करना है, क्योंकि हम अडानी अम्बानी के हाथों बिकना नहीं चाहते, इस देश का किसान गिरवी नहीं रखना चाहता। हमें जो आज़ादी मिली थी वही आज़ादी के तहत हम अपनी ज़मीनों को आज़ाद कराना चाहते हैं और हम अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई यहाँ बैठे लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार चाहेगी, क्योंकि कानून सरकार को वापस लेना है। अगर सरकार के बस का नहीं है तो अडानी अम्बानी को समझ ले कि जो देश में राज कर रहे हैं, जिस संविधान पर कोई साक्षी मान के और शपथ लेके वो सत्ता में आए हैं, उसी संविधान का सामना करके। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि चाहे वोट के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, हम भी उन्हें अडानी अम्बानी को यहाँ से देश से भगा के छोड़ेंगे और अपनी खेती को और अपनी देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। 2022 के इलेक्शन को लेकर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो 2022 का सीधा सीधा क्लियर हमारा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा अपना हिंदू मुस्लिम का फंडा तैयार कर रही है और हमारे एक एक देश के किसान ने और एक एक नौजवान ने और एक एक मजदूर ने, जो मजदूर यहाँ से कोराना से 1800 किलोमीटर चल के गया और जो किसान बॉर्डर पर पड़ा है और जो किसान घरों में अपना खेती कर रहा है और जो देश का एक एक नौजवान और बहनें बेटियां हमारी सब ने ये ठान लिया कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ना ही हम मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, ना ही हम सिखों के साथ लड़ेंगे। इन्होंने इस देश की एक नस पकड़ रखी है कि इस देश को तोड़ो और राज करो, इस देश को आपस में लड़ाओ और राज करो। 2017 में जब ये आए थे तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा के आए थे, मुजफ्फरनगर दंगा करा के आए थे और उसी दंगे से इन्होंने जो है अपने लोगों को जिन्होंने दंगा कराया उनको आज़ादी दिला दी, मुकदमे वापस ले लिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, इनके जो उप मुख्यमंत्री उनके मुकदमे वापस ले लिए। देश के एक एक किसान की, एक एक मजदूर की, एक एक सरकार की एक एक नज़र पर नज़र है और वो अब ये आपस में लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं होने देगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देगा और विकास इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कोई किया हो तो किया तो सिर्फ दूसरी सरकारों का फीता काटने का काम किया, एक काम पूरे गाजियाबाद से लेके बहराइच तक, बलिया से लेके और देश के दूसरे कोने तक एक विकास नहीं किया। योगी आदित्यनाथ पूरे दिन सिर्फ अपने चिलम के चक्कर में रहते हैं और कोई अधिकारी को सही निर्देश नहीं, किसी अधिकारी ने कोरोना में कोई ऐसा काम नहीं किया, सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे और झूठी TV पर प्रचार ये चल रहा है इनका, दूसरा कुछ नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत समय मिला था, 4 साल उत्तर प्रदेश में मिले थे, 7 साल तुम्हें केंद्र में मिले थे और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी। अगर ये सरकार चाहती तो पिछली सरकार ने जो काम किया था उससे डबल किया जा सकता था। पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक एक गाँव में और एक एक गली में, चाहे वो ग्राम लोहिया के नाम से हो, चाहे वो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जोड़नी हो, चाहे एलिवेटेड हो, 4 सिटी पार्क हो या वैशाली जैसे लोग हों, लैपटॉप बेटियों को देना हो, चाहे वो देश में जो लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना हो, हमारी बहनों को, बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को पेंशन दिया, इतना सरकार ने काम किया। डायल 100 जो वर्ल्ड क्लास की डायल 100 और पुलिस मुख्यालय जैसे 108 नंबर आधी रात पर दबाओ आपके घर लेने आती थी, ये सेवाएं जो पिछली सरकारों ने दी। इस सरकार से हमें दुख यह है कि इसने वो दी हुई सेवाएँ भी सुचारू रूप से चालू नहीं रख पाई और इस सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई विजन है, सिर्फ है तो प्रोपेगेंडा खड़ा करना और आपस में देश को लड़ाना, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना, यही है इनके। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ।
कितने दिन से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो जब से किसान पढ़े हैं तब से यहीं है। हमारा गांव सिसोली है, राकेश टिकैत जी का गाँव वाला, तो जिन टिकैत साहब आ गए थे उसी हम सब लोग यहीं पर आ गए थे उनके साथ साथ। तो जब से किसान पढ़े हैं और तब से लेकर आज तक इतने प्रोपगेंडे सरकार ने चलाए हैं, चाहे वो 26 जनवरी वाला हो, उसके बाद यहाँ के उनका गुंडा विधायक का मामला हो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी, हमारे 300 किसान शहीद हो चुके, लेकिन 300 किसानों पर उनकी संवेदनाएं पे एक फूटा शब्द नहीं निकलता है। और विपक्षी पार्टी का एक नेता अगर सदन छोड़कर जाता है तो घड़ियाली आंसू बहाने काम करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम ये कहना चाहते हैं कि साहब, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जो आप लोग इस देश में जो सत्ता में आए हैं, जो आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर आसिफ और सचिन के नाम पर वोट मांग कर आए हैं, अब इस देश का जनता, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां इतनी जागरूक हो चुकी हैं, अभी आपके प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। एक माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के बाद जो इस देश में वैमनस्य की भावना पैदा हो गई थी, जो लोग धार्मिक भावनाओं के आधार पर दूर जा चुके थे, जो लोग धर्म और जाति के आधार पर टूटकर बिखर गए थे, आज किसान आंदोलन की वो देन है। किस किसान आंदोलन में लंगर में अगर कोई जाकर भोजन करना करके बैठता है तो लंगर में उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, वहीं पर हिंदू, वहीं पर मुस्लिम, वहीं पर सिख, वहीं पर ईसाई, वहीं पर छोटा, वहीं पर बड़ा, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और इस देश के हुक्मरान को बताने का काम करते हैं कि आने वाले समय वो दूर नहीं है जब आप लोगों को ये देश बताने का काम करेगा कि आपने इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटते हुए दंगों की आड़ में पहुंचाकर हिंदू और मुसलमान के कंधों पर छुरी रखकर आप लोग इस सरकार में आए थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को इससे जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो ये लोग आने वाले चुनाव में, चाहे 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, अगर बाहर के लोग ये वीडियो देख रहे हो, जहाँ 5 राज्यों फिलहाल चुनाव है, अगर वहाँ से कोई साथी वीडियो देख रहा हो, अगर आपके समय, आपके पास फिलहाल इन चुनाव के समय में अगर कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला, अगर कोई नारा तकदीर या जय श्री राम का नारा लगाने वाला आपके पास आकर भगवा और हरे के नाम पर वोट मांगने का काम करे, उसका कुर्ता पकड़कर पूछना कि मैं जय श्री राम का नारा भी लगाऊंगा, मैं नारा तकदीर का नारा भी लगाऊंगा, क्या मंदिर और मस्जिद में जाने से क्या मेरे घर के रोटी मिल जाएगी, क्या मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी, क्या मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, जब मेरे जो बुजुर्ग माता पिता वे बीमार हैं क्या उन्हें अच्छी चिकित्सा मिल जाएगी, क्या मेरे खेत की जो मैं किसानी कर रहा हूँ, क्या मेरे खेत को मुझे अच्छा मूल्य मिल जाएगा? ये सभी क्वेश्चन आने वाले समय में इन भारतीय जनता पार्टी के और जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर वोट मांगने का काम इस देश में करते हैं, उन सभी लोगों से सवाल पूछने का हम लोग काम करेंगे। जैसे बीजेपी ने दावा किया था कि वो युवाओं को रोजगार देगी, आज 2 महीने से SSC GD के जो छात्र हैं वो सड़कों पर खाक छान रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इतना बेशर्मी की हद कि जिन लोगों को आप लोग कहते हो कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, और जिन बेटियों को आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज वे बेटी बच भी चुकी हैं और वे बेटी पढ़ भी चुकी हैं, क्योंकि उन 200-250 बच्चों में SSC वालों में हमारी बहनें भी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं जो पूरे देश से इकट्ठी हो गई हैं, वे किसी संप्रदाय विशेष से, किसी राज्य विशेष से, या जिस प्रकार आपने किसानों को कह दिया कि चंद किसान है या पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा पंजाब का है, उन 250 बच्चों में प्रत्येक राज्य का बच्चा है, वे चीख चीख कर माननीय मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, 2018 में हमने अपने एग्जाम क्लियर किया था, हमारी नौकरी कहाँ है? अरे दुन 2 करोड़ रोजगार की तो छोड़ो, जिन लोगों ने अपनी परीक्षाएं पास की हैं, जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, जो लोग मेडिकल फिट हैं, उन्हें भी उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस देश में आने वाला समय वो होगा कि इसमें हिटलर शाही पैदा हो जाएगी, और माननीय मोदी जी, हिटलर का परिणाम आप लोग जानते हैं कि अंत में हिटलर को खुद को गोली मारनी पड़ी थी। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश के लोक पर तंत्र को भारी मत होने दीजिए, इस देश को निजीकरण के हाथों में मत झोंकिए, क्योंकि जो पूर्वज की सरकारों ने 72 वर्षों में इस देश में सरकारी तंत्र खड़ा किया था, उस सरकारी तंत्र को आप बेचने का काम कर रहे हो। अरे आप निजीकरण करो, लेकिन सरकारी तंत्र को बेचकर नहीं, सरकारी तंत्र को बेच दोगे तो आने वाले समय में जो लोग किसान मजदूर वर्ग का बच्चा था वो भर्ती मारने जाता था, कहीं दूर पर उसका एग्जाम आता था तो वो 100-150 रुपये का टिकट लेकर रेल में बैठकर चला जाता था, आज वही रेल का टिकट अगर आप 500 रुपये कर दोगे और रेल में चढ़ने से पहले वो टिकट मेट्रो की तरह खरीदना मैंडेटरी हो जाएगा, तो आने वाले समय में इस देश के हालात वही हो जाएंगे कि जिस प्रकार ये आप सामने हॉस्पिटल देख रहे हो, हॉस्पिटल में जाने से पहले आप लोगों को अपनी जेब में 1 लाख रुपये होने अनिवार्य है।
तो इस देश की हालत वो हो जाएगी जब निजीकरण हो जाएगा। हमारे पास न चिकित्सा रहेगी, न हमारे पास शिक्षा रहेगी, न हमारे पास परिवहन व्यवस्था रहेगी, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जिस जेब में मोटे मोटे पैसों की गड्डियाँ होंगी वही इस देश में लोगों को जीने का अधिकार होगा, बाकी लोग इस देश में भूखे मरेंगे या मजदूरी करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा किसान की बात चल रही है, 2006 में बिहार में आपने देखा होगा APMC एक्ट खत्म हो गया था। आज बिहार का किसान अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने परिवार को लेकर हरियाणा, पंजाब और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे के छोटे किसानों के यहाँ भी नौकरी करने पर उतार मजबूर है। 2000 रुपये में मजदूरी करता है, 4000 रुपये में महीने में करता है। आप लोग ये देखें कितने महंगाई के दौर में क्या 2000-4000 में अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा, क्या अपने घर को रोटी खिला पाएगा। अगर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाएगा तो आने वाले समय में वो जो बच्चे होंगे वो भी मजदूरी करेंगे और इस देश में रोजगार के अवसर, उस देश का पढ़ा लिखा नौजवान बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण करके जो किसान मजदूर के बच्चे हैं वो ना पढ़ें, क्योंकि शिक्षा सवाल को पैदा करती है और जब सवाल खड़ा होगा तब इस देश के हुक्मरानों से पूछने का काम करेगा, और जब उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे तो उनकी आने वाले हुक्मरानों की सत्ता चली जाएगी। इसलिए इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश को निजीकरण के हाथों में झोंक कर, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पूरा देश गुलाम हो गया था, अब यही काले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर है। ये वही 1600 ईस्वी वाला दौर है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में इसके जो दुष्परिणाम सामने आएंगे वो आप सभी लोगों के सामने आएंगे। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे में आपने मास्क भी नहीं लगाया है यहाँ पे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो आपने क्या सोचा है कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे आप? जिस प्रकार माननीय मोदी जी बंगाल में जाकर कई कई लाख आदमी की रैली करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जो वो ढाई लाख आदमी आ रहे हैं उनके पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, उसी प्रकार का माहौल हमारा भी है। यहाँ भी हमारा आंदोलन चल रहा, तो हमें ये जो ये घोसले हैं इनके कि जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर कोई कोरोना नहीं आता। फिलहाल दिल्ली में बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली में जो होमगार्ड हैं वे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र आंदोलन कर रहा है, LIC वाले आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना का परिवेश बढ़ गया, और बंगाल में फिलहाल चुनाव चल रहा है तो बंगाल में कोरोना घट गया। इनका जो दोहरा चरित्र है, ये देश के नौजवान, इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग समझ चुका है। और माननीय मोदी जी से निवेदन है कि इस देश में जब बेरोजगार SSC के छात्र आप अपना मार्च लेकर आते हैं तो आप कोरोना की हवाला देकर उनका मार्च कैंसिल करा देते हो। अगर इस देश का नौजवान ट्वीट के माध्यम से इस देश की सोई हुई सरकार को जगाना चाहता है तो आप लोग उनके ट्वीट डिलीट करवा देते हो। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने काफ़ी समय पहले कह रहे था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती, और हम वही जिंदा कौम हैं, हम भगत सिंह के वही जिंदा कौम हैं, हम लोहिया जी की जिंदा कौम हैं। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल बाद इनकी सरकार बदलेगी, फिर कोई आएगी, फिर हम जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है, सभी लोहिया जी ने कहा था, और आप लोग देखियो कि ये सड़कें बिल्कुल आदमियों से सरोबार हैं, भरी हुई हैं, हलचल है, और ये इस देश की संसद से कान खोलकर पूछ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप चुनाव आते हैं, जब इन किसानों की आय 2 गुना कर देते हैं, 1.5 गुना कर देते हैं, आप इन किसानों को कर्ज माफ कर देते हैं, आज वही किसान चीख चीख कर संसद से चंद कदमों की दूरी पर आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ युवा किसान मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम धनंजय सिंह नीरज, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। कब से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ पे जनवरी में भी आया था और अभी 23 मार्च से आया हूँ, और पूरा अप्रैल तक रहना है, कम से कम अप्रैल, उसके बाद आगे देखेंगे क्या तैयारी होती है। क्या लगता है आपको, आप 4 महीने से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आगे आपने क्या रणनीति बनाई है, कैसे सरकार को अपनी बातें रखेंगे सरकार तक, और कैसे उनसे अपील करेंगे कि वो आप जो कृषि कानून है उसको वापस लें? नहीं नहीं, सरकार क्या है, सरकार है ही नहीं दिल्ली में, सरकार गई बंगाल में, असम में, पौंडचेरी में, केरल में, जहाँ चुनाव है। और एक बेशर्मी की बात बताएं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, बताया मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल में बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है, और वही इंसान भोपाल में आके बोलता है 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। मतलब इतनी बेशर्मी जिसकी कोई हद नहीं, हर इंसान डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। वो इंसान मतलब भोपाल वालों को, मध्य प्रदेश वालों को इतना मूर्ख समझता है। और मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, वो एक उपचुनाव हो रहा है दमोह सीट में, वहाँ पे पूरी टीम जा रही BJP की, बड़ी रैली कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर दमोह में कोरोना नहीं होगा, लेकिन भोपाल में, और भोपाल में कारण क्या है, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी आई थी जिसमें घोटाला हो गया, वहाँ पे जो टॉप 10 विद्यार्थी थे सभी का नंबर सेम है, और जो गलती फर्स्ट ने किया था वही दसों ने किया था, तो उस कारण से वहाँ पे भोपाल में, इंदौर में प्रदर्शन चल रहा था, उनको दबाने के कारण से ये कोरोना का नया ड्रामा लाए हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव तोमरा, UP उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आए हैं। हमें यहाँ 4 महीने हो चुके हैं रहते रहते, हम जो है किसानों की सेवा करते हैं, यहाँ हम जो है वॉलंटियरों की सेवा करते हैं। हम देखते आ रहे हैं ये जो चल रहा है धरना, और ये सरकार जमी हुई है और हम भी जम रहे हैं,
जब तक हमारे तीनों कानून और बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ये एक किसान का हक होता है। जब नरेंद्र मोदी जी जब 18-12 घंटे करते हैं तो अपने जो घर जाते हो तो वहाँ भी तो अन्न खाते हो, हैं? जहाँ तुम किसानों का अन्न खा रहे हो, किसान अपने खेत में पानी देकर अन्न उबालता है, फसल करता है, जब जाके उनको दिल्ली पहुँचाता है, हैं? आज तुम जो है फसल लेके अपना जो सरकार बैठी है हमारे ऊपर जो है, हमें जब बिल लेकर आए तुमने ना तो किसान को पूछा, ना मजदूर को पूछा, ना रोजगार को पूछा, हैं? जब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए तो तुम क्यों सौंप रहे हो हमारे ऊपर? हमें नहीं चाहिए हमें, हैं? और ये सरकार नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं कि इस बिल के बारे में किसानों को नहीं पता है, इसको नुकसान। अब तुम हमें ये बता दो कि फ़ायदा कैसा है, हम बताएंगे नुकसान है, और तुम बता दो फ़ायदा कौन सा है, बताओ। और हमें यहाँ आके समझा दो नरेंद्र तोमर जी, आपने बिल के बारे में कुछ ने सोचा है? बिल के आपने पढ़ के देखा है? तुमने हक खामे का तुमने पकड़ा दिया, हमें बिल ले जाओ, हम नहीं चाहिए, हमें अपने अपने बिल वापस रखो। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठा है, आप बंगाल में चुनाव कर रहे हो, आप चुनाव जरूरी नहीं है, आपके लिए किसान जरूरी है, किसान जरूरी है, और किसान से बात करो, और करना पड़ेगा। नरेंद्र तोमर जी गए बंगाल में और आपने देखा होगा किसानों का जो वहाँ पैरों में पानी डालकर धो रहे हैं, चरण धो रहे हैं, ये खाली दिखावा है, ये सच नहीं, दिखावा है, कुछ भी दिखा सकते हैं। मीडिया बोल रही है यहाँ किसान नहीं है, किसान चले गए, तम्बू खड़े गए, एक तम्बू था, आंधी आई थी अभी कल परसों, वहाँ पे तम्बू हवा में उड़ गया, उसकी वीडियो बना ली कि तम्बू उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। अभी कल परसों एक हमारे बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया, रो रहे, पत्थर फेंकाए जा रहे हैं, ये सरकार जो चालबाजी खेली जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं ने इस पर टिप्पणी की है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये किसान आंदोलन को लेकर क्यों किए, बहुत से मसलों में लोग शांत रहते हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं कि सत्ता के चाटुकार हैं। अब किस जो सेलिब्रिटी ये कर रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में किए, इसलिए किए कि जब ये पूरा खेती कारपोरेट के पास चली जाएगी तो ये अपने ऐड के लिए भीख मांग रहे हैं कि आटा का ऐड कौन करेगा, चावल का ऐड कौन करेगा, ठीक ना। और शर्म बेशर्मी की हद तो तब होती है जब सरकार एक ऐसे इंसान को जो खुला ऐड करता है उसको भारत रत्न दे देती है, वो किसानों के विरोध में बोलता है, बात ये है। तो ये अपने ऐड के लिए भीख मांग रहे हैं, किसानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं, चाटुकारता कर रहे हैं सत्ता का और कॉरपोरेट का। और एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि किसान बहुत कम है, मैं उनको ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जंगे आज़ादी में जब अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भारत की जनसंख्या कितना थी और आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग शामिल थे, आप देखेंगे तो बहुत अंतर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, किसी भी देश की अगर क्रांति देखेंगे तो 100% लोग सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ सीमित लोग, कुछ क्रांतिकारी लोग चीज़ को समझेंगे और सड़क पर आकर संघर्ष करेंगे। बहुत से आज भी बहुत से लोग होंगे और उस टाइम में बहुत से लोग थे कि जो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर एक मतलब निचले तबके के इंसान की बात बताऊं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चाहे सरकार अंग्रेज की रहे, चाहे मोदी की आए, किसी की भी आए, उसको तो अपना काम करना है। तो बात यही है, जो लोग बोलते हैं कि बहुत कम लोग हैं उनको ये बता दें कि ये क्रांति है, ठीक ना, ये क्रांति की शुरुआत है, भले ही सीमित लोग आएंगे लेकिन क्रांति करेंगे और भारत में ये क्रांति का दौर है। आप देखेंगे कि पंजाब का जो उग्राहा संगठन है उसमें इतना ज़्यादा महिला आ रही हैं, मतलब महिलाओं की संख्या इतना ज़्यादा हो रही है, भारत के लिए एक अच्छा संदेश है, क्योंकि महिला और पुरुष सब बराबर है, सबको प्रकृति ने बनाया है, हम सब प्रकृति की संतान हैं। तो ये उन लोगों को जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या बोल देते हैं कि महिलाएं और बच्चे चले जाएं, क्यों चले जाएं भाई, यहाँ पे गांव बस गया है, हम सब लोग यहाँ पे रात भर जगते हैं, टहलते हैं, सब के पास जाकर बात करते हैं कि आपके यहाँ पे क्या माहौल है, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करते हैं, उनको गोद में लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार करने में, तो इसमें आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह कि पश्चिम बंगाल में ही क्यों, क्योंकि इनको वहाँ पे हिंदू मुसलमान करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक। और अब हिंदू मुसलमान जैसे कि ये इस आंदोलन ने उनकी उस बाइनरी को तोड़ दिया है जो हिंदू मुसलमान का मिथक था, तो अब इनके कमज़ोर हो रहे थे तो इनको लगा कि हम उसको दोबारा बंगाल से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये कामयाब नहीं होंगे इस मकसद पर, क्योंकि इस आंदोलन ने लोगों के अंदर जो शोषित वंचित लोग थे उनके अंदर एक नई चेतना पैदा किया है कि हम सब कमेरा हैं और सभी कमेराओं को एक साथ में आना पड़ेगा, तब हम लुटेरस लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी सरकार क्या करती थी, हिंदू को मुसलमान से तमाम तरह के जाति धर्म पंथ में लड़ाती थी, अब सबको समझ में ये आ गया कि हमारा असली दुश्मन ये नहीं है कोई जाति धर्म वाला नहीं, हमारा असली दुश्मन पूंजीवाद है। तो ये हम सब की लड़ाई साझा लड़ाई है और ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, और जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक इस संघर्ष से पीछे हटेंगे नहीं, ये हमारा एजेंडा है, हमारे किसान नेताओं का ये कहना है, हम लोग जीत कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के बाद साथ बात करने के लिए। तो ये थे गाजी बॉर्डर पर मौजूद कुछ किसान और युवा जिनसे हमने बात की और उनकी समस्याओं के बारे में हमने पूछा उनसे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।